पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी ससम्मान आमंत्रित हैं, रुक्मणी आश्रम से आप हैं और अपनी बात यहाँ रखने के लिए मैं आपको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी, सर्वधर्म समारोह के इस पवित्र अवसर पर उपस्थित सैनी धर्म समारोह के गणमान्य व्यक्तित्व सबको भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। आज का दिन एक ऐसे महान व्यक्ति की जयंती का दिन है जो सबको सब धर्मों के प्रति आदर रखते थे। ये पहली बार मैं विद्यार्थी था और ये पढ़ रहा था तो उसमें गांधी जी ने कहा मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, मैं पारसी भी हूँ, मैं जरतुष्ट भी हूँ। मुझे लगा कि ये व्यक्ति सब धर्मों के प्रति आदर भाव प्रकट कर रहे हैं और आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इस हाल में सर्वधर्म समारोहों में हम अपने अपने विचारों के साथ एक दूसरे का परस्पर आदर भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं। बड़ा ही पवित्र दिन है कि जहाँ हम परस्पर आदर भाव से भरे हुए हैं, धर्मों की विभिन्नता होते हुए भी परस्पर आदर भाव व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सब धर्मों के अंदर जो धर्म है हम इस समय उस अपने आप को केंद्रित हो गए। गांधी जी की जयंती का कि उनके व्यक्तित्व का आज इस हाल में जो मैं देख रहा हूँ कि हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर भाव से भरे हुए हैं, ये इस दिन की बड़ी महत्ता है। लेकिन ये क्यों है? जब मैं 11वीं का विद्यार्थी था तब से मैंने गांधी जी का पढ़ने की कोशिश करी, अध्ययन करने की कोशिश करी, सब धर्मों को भी पढ़ने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। तो गांधी जी के अंतिम दिनों का एक वाक्य मुझे लगा कि वो केंद्रीय तत्व है और वो है कि मैं सेवा करने में कभी हार नहीं मानूंगा। अगर हम धर्म के इस तत्व को ग्रहण भी करें और अभिव्यक्त भी करें तो हम परस्पर एक दूसरे के प्रति आदर के साथ रहने में, आगे बढ़ने में, मानव जाति को आगे बढ़ाने में हम पूरी तरह से सफल हो सकते हैं, अपने दुनिया को एक सफलता वाली दुनिया बना सकते हैं। एक दूसरा विचार जिसे मुझे सबसे अधिक प्रेरित किया कि जो परिवर्तन तुम दुनिया में देखना चाहते हो, जो परिवर्तन दुनिया में देखना चाहते हो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, दुनिया में देखना चाहते हो, उसका प्रारंभ अपने से करो। गांधी जी के जीवन के ये दो प्रधान तत्व हैं। एक तीसरी बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज़ादी के जमाने में जब आज़ादी मिल गई उसके बाद में एक बंगाली कार्यकर्ता ने गांधी जी से पूछा कि इस साम्राज्य के पहले तो आप कहा करते थे कि तुम ये देखो कि तुम जो जीवन जी रहे हो, जो जीवन में विचार करते हो, जो जीवन में कार्य कर रहे हो उसे साम्राज्य की तरफ एक इंच आगे बढ़े। अगर तुम साम्राज्य की तरफ एक इंच भी आगे बढ़े तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जीवन का वो दिन सार्थक हुआ। उसने पूछा कि अब तो साम्राज्य मिल गया, अब हम क्या कसौटी, हम क्या मूल्य अपनाएं,
तो गांधी जी ने उनको जवाब दिया था कि अब जीवन जीने की शैली में इस बात को स्वीकार करो कि मैंने जो विचार किया आज या आज जो मैंने सवेरे से शाम तक काम किया उससे मेरे से गरीब आदमी का मैंने कुछ उसको सुख पहुंचाया, क्या उसको आनंदित किया, क्या मेरे से ऐसे कोई काम हुआ इससे मेरे से गरीब आदमी को प्रसन्नता मिले। ये दो तीन बातों से अगर हम, जैसा कि मुझे लग रहा है कि हम परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से भरे हुए हैं, आदर भाव से भरे हुए हैं, क्योंकि सभी धर्मों का जो मूल तत्व है वो तो सत्य प्रेम करुणा, मैं मुझे लगता है इन तीन शब्दों में सब धर्मों का मूल तत्व आ जाता है और इनके प्रति अगर हम आदर भाव रखते हैं तो सभी धर्म वालों के प्रति आदर भाव रख पाएंगे। और अहिंसा दिवस की जो अभी अगर हम परस्पर एक दूसरे के प्रति आदर भाव से अभिव्यक्त करते रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।